वेलकम मसल फुरु के आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 6 मतलब कि 6 ऐसे फूड जो आपके स्टेमिना एनर्जी और मसल को दुगनी तेजी से बढ़ाते हैं। जी हाँ, आज के मसल फॉर यू में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए चलिए डायरेक्टली वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है साबुत अनाज। अनाज आपके शरीर के लिए बेहद स्वस्थ है। साबुत अनाज फाइबर से भरपूर होते हैं और खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपका हृदय स्वस्थ होता है। कार्डियो वर्कआउट में शामिल लोगों को अधिक ताकत की आवश्यकता होती है। आप सभी पोषक तत्वों का एक पूरा संयोजन बनाने के लिए अनाज में अतिरिक्त पोषक तत्व भी जोड़ सकते हैं। साबुत अनाज मांसपेशियों को फिर से भरने में मदद करते हैं। साबुत अनाज में मौजूद फाइबर आपकी बॉडी के लिए तो अच्छा ही है, साथ ही साथ आपकी कब्ज की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। नंबर 2 पर है ओट्स। ओट्स में घुलनशील फाइबर होता है जो वर्कआउट से पहले और बाद में पचाने में बहुत ही ज्यादा आसान बनता है। ओट्स बेहद पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी होते हैं। ओट्स आपके कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखेगा। जब आप ओट्स का सेवन करते हैं तो आप लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करते हैं और कम कैलोरी का सेवन करते हैं, जो आपको अधिक प्रभावी ढंग से वजन कम करने में मदद करता है। आप ओट्स का सेवन करते समय टॉपिंग के रूप में अखरोट और बीज जोड़ सकते हैं। ओट्स को तैयार करना भी बेहद ही आसान है और इसका इस्तेमाल करने से आपका समय भी बचेगा। नंबर 3 पर है दही। दही प्रोटीन में उच्च है और आपको सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा और साथ ही साथ आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। दही वजन प्रबंधन में मदद करता है और पाचन को बढ़ावा देता है। यह कम वसा वाला एक स्वास्थ्य विकल्प है, साथ ही साथ इसमें बहुत ही कम कार्ब्स होता है, इसलिए यह आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। नंबर 4 पर है स्मूदी। स्मूदी आपकी ऊर्जा को बहुत ही तुरंत बढ़ाते हैं। जब आप नियमित रूप से शेक और स्मूदी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर की जो पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता होती है उसे बढ़ाता है। आप अपनी पसंद के फल के साथ शेक और स्मूदी तैयार कर सकते हैं और अच्छे स्वाद का आनंद ले सकते हैं। अपनी कसरत को एक ईंधन देने के लिए कार्डियो सेशन से पहले आप एक शेक पी सकते हैं। आप फिर से ऊर्जा हासिल करने के लिए वर्कआउट के बीच और बाद में एक शेक पी सकते हैं, लेकिन अपने आहार में कोई भी बदलाव करने से पहले आप अपने ट्रेनर से जरूर पूछें। नंबर 5 पर है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सेवन एक बेहतरीन संयोजन है। जब आप अपने शरीर के मिश्रण का उपयोग करते हैं तो प्रोटीन आपकी मांसपेशियों की मरम्मत करेगा और आपकी ऊर्जा को फिर से भर देगा। आप प्रोटीन के रूप में अंडे, दूध, दही, बीज, नट्स और सोया उत्पादों का सेवन कर सकते हैं। नंबर 6 पर है फाइबर। आपको फाइबर को अपने सबसे अच्छा दोस्त मानना चाहिए। फाइबर पाचन क्रिया को बढ़ाता है, यह आपको अधिक समय तक भरा रखता है, जो आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करता है। फाइबर के विभिन्न स्रोत हैं। आप ताजे फलों और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं जो फाइबर से भरी होती हैं। फल और सब्जी आपको अन्य पोषक तत्वों को प्रदान करने में मदद करेगी। तो ये थी मसल फॉर यू की आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, देन उसके बाजू का बेल आइकन को दबाइए। मसल फॉर यू की इसी प्रकार की वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।